मीठी टिक्कियां बनाने के लिए बाउल लिया। तो एक आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कैसे बनी है, बहुत जबरदस्त बनी है। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, अंदर से भी बहुत खस्ता हाँ है, जी बहुत ऐसे जबरदस्त बिस्कुट है। की तरह लग रही हाँ है। जी बहुत जबरदस्त है, माशाल्लाह से खा दूंगी। मैं आपकी रेसिपी को 4 चांद लगा रहा हूँ, नहीं, आपने कोई ये बात बतानी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह का शुक्र है और आप लोगों की दुआएं हैं। मैं भी ठीक हूँ और चैनल भी जबरदस्त जा रहा है। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी का आगाज करते हैं। आज की रेसिपी बहुत जबरदस्त है, आपको पता है बादशाहों का सीजन चल रहा है, इस हिसाब से मैंने ये रेसिपी तैयार की है। बच्चों को भी बहुत पसंद है। आज की रेसिपी का नाम है मीठी टिक्कियाँ, या हमारे यहाँ उसे टिकड़े कहते हैं। तो वो तैयार करते हैं और आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूंगी कि इस रेसिपी को कैसे तैयार करते हैं। लेकिन रेसिपी की जानिब बढ़ने से पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है, जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो उनको टाइम पर मिल सके। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब, देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मीठी टिक्कियां बनाने के लिए 2 कप मैदा लिया है, 1 बड़ा चम्मच नारियल पाउडर है, 1 प्याली चीनी है, आधी प्याली बटर है, 1 चम्मच सफ़ेद तिल है, 1 चुटकी मीठा सोडा है, 1 कप मिल्क है। मीठी टिक्कियां बनाने के लिए बाउल लिया। अच्छा चलो दिखाओ, मुझे क्यों दिखा रहे हो, तो दिखाओ। एक बाउल लिया है, उसके अलावा मेरे पास जो 1 कप दूध था उसको मैंने नीम गरम कर लिया है, ज़्यादा गरम नहीं करना। सारा नहीं डाला, बचा लिया है। 1 कप चीनी, बाकी का सुरेश को पिलाना है, शहरी को, शहरी को। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह जब तक चीनी हल ना हो जाए। चीनी और मिल्क मिक्स हो गए हैं, मैंने अच्छी तरह हल कर लिया है। इसको मैं इस कप में डाल देती हूँ। एक अलग बाउल लिया है, उसके अंदर मैदा डालती हूँ। 2 कप मैदा था तो 1 कप चीनी ली है, उसमें ये सारी चीज़ें, ये क्या है? नारियल पाउडर है, इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। अगर नहीं डालना तो कोई हर्ज नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, अच्छा, टेस्ट के लिए बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है, जैसे बाजार के बिस्किट होते हैं। वाह वाह बेगम वाह, सच्ची गले तो खुश कर देते हैं। अच्छा इसको मिक्स कर लेते हैं। कभी कभी तो तू ना वो सहबार नहीं गलना करनी है। अच्छा तो अब मैं इसके अंदर बटर डाल रही हूँ, ये 2 चम्मच है। वेरी गुड, घी भी यूज कर सकते हैं। डाडा हमारे यहाँ तो इन टिक्कियों को बनाने के लिए भी, तलने के लिए भी देसी घी यूज होता है। वेरी गुड, लेकिन आजकल महंगाई इतनी है कि बंदा दूसरा घी खा ले वही बड़ी बात है। 230 रुपये किलो। चलो जी, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫੁਲਕਾ ਇਹੀ ਲੱਗ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਦੁੱਧ ਬੜਾ ਖਾਲਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮੱਖਣ ਅੱਛਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ, ਅਬ ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ ਤਿਲ ਡਾਲ ਦੇਤੀ ਹੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੂੰ ਲਗਾਤੇ ਹੈ? ਹਾਂ, ਬਣਾਉਣ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੂੰ ਲਗਾਤੇ ਹੈ, ਆਪ ਅੰਦਰ ਡਾਲ ਰਹੀ ਹੋ। ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹਤੇ ਹੈ, ਟੇਸਟ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਆਪ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਸੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਅਗਰ ਆਪ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਡਾਲਣਾ ਚਾਹਤੇ ਤੋ ਆਟੇ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਬਣ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦੇ। ਹੂੰ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਸੇ ਰੱਖੇ ਹੈ ਮੈਨੇ, वो ऊपर ऊपर लगा दूंगी। मैं आपकी रेसिपी को 4 चांद लगा रहा हूँ, आपने कोई ये बात बतानी थी? नहीं। अब मैं ये चीनी मिक्स मिल्क शामिल करने लगी हूँ आहिस्ता आहिस्ता, ताकि ये पतला ना हो जाए। वेरी गुड, तमाम मेरी बहनी ते मेरी भिरावां ते मेरी मामा, ये गौर उस रेसिपी देख लो ते बना लो, तो बड़ी मीठी मीठी है ते स्वादी स्वादी टिक्कियां बन से। देखना मेरा आटा ना पतला करवा देगा। उन तक लगता भी पतला होया खाला। अभी और मैदा डालना पड़ेगा अगर पतला हो जाता है तो। तो टिकड़ों के लिए दो डो तैयार हो गया है, अब इसके टिकड़े बनाते हैं। टिकड़े या टिक्कियां? टिक्कियां, हाँ। ये मीठा है तो मुझे ऑयल लगाना पड़ेगा हाथों पे ताकि ये चिपके नहीं।
जी तो नाजरीन है, अब हमने इसको बेल रहे हैं और कोशिश करेंगे बारीक करेंगे, मतलब इतना बारीक भी नहीं, बस ऐसे हाँ। जैसे बिस्किट बनाए जाते हैं, बिस्किट का एक जैसे साइज होता है वैसे वाला, ज्यादा मोटे अच्छे नहीं लगते, पकाई भी फिर सही नहीं होगी ना। ये बस इतना साइज आपने रखना है, ज्यादा बारीक नहीं करना। अब इसकी कटिंग करते हैं, हमारे पास कटिंग करने वाला कोई नहीं तो हम ये टिन से कर रहे हैं। ये तीन बन गए, इनको मैं ऑयल में डालती हूँ। ऑयल गरम कर लेना है आपने, ये नहीं कि ठंडे ऑयल में डालना है, अगर आप ठंडे ऑयल में डालेंगे तो ये फट जाएंगे, फैल जाएंगे। आंच हल्की कर देनी है ताकि ये अच्छी तरह पक जाए, मतलब मीडियम रहे, ज्यादा हल्की भी नहीं ज्यादा तेज भी नहीं। जी तो नाजरीन ये माशाल्लाह से फूल रहे हैं, आ गए ऊपर, हाँ ऊपर भी आ रहे हैं और आस्ते आस्ते पक भी रहे हैं। तो मैं अपना इनकी जरा साइड भी चेंज करके देखता हूँ। हाँ ये देखो, अब दूसरे की भी मैं चेंज कर देता हूँ। हाँ। माशाल्लाह से बहुत प्यारा कलर और आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, बिल्कुल आपने हल्की आंच पे पकाना है ताकि ना अंदर से भी पक जाए और बाहर से तो पक ही जाना है इसने, इसलिए हल्की आंच पे जरा ये होता है कि आपका जो टेस्ट है वो जबरदस्त बन जाएगा, और अंदर से पका हुआ होगा ना तो खाने में ज्यादा क्रंचू क्रंचू आएगा, क्रंचू क्रंचू का आपको वो क्रंचू चीज है ना तो उसका मजा होता है, ढीली माठी चीज का क्या फायदा। ये तो नजरीन, अब इसको भी चेंज करते हैं। हाँ ये देखें कैसा रंग है, बड़ा प्यारा और फूल रहे हैं, ऐसे खस्ता खस्ता लग रहे हैं देखने में कि क्या बात है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बस अल्लाह की नेमतें हैं जो हम लोग खाते हैं और बस ना शुक्री करते हैं, तो नहीं तो अल्लाह ताला ने हमें क्या क्या दिया, इतना अकल दिया, ऐसी मीठी चीज़ें दी और ऐसी बेगम दी जो ये चीज़ें बना रही है देखें। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आ गए, ये तो आप चेक करें देखें, मुझे तो लगता है कुछ पक गए हैं, बहुत जबरदस्त प्यारा कलर आया है माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत जबरदस्त कलर आ गया, खूबसूरत रंग आ गया, और मेरे ख्याल में अब पक गए हैं। हाँ, तो इनको आंच माठी कर दो, फिर किसने तेज की है, तो वो मैंने थोड़ी सी तेज की थी, अब इनको निकाल लेते हैं। जी तो मज़ेदार सी मीठी मीठी आटे की टिकियां तैयार हैं, बिल्कुल बाजार के बिस्किट जैसी हैं, बच्चे बहुत पसंद करेंगे, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ज़बरदस्त कलर आया है, इस तरह का कलर होना चाहिए, बहुत खस्ता और करारे हैं, करारे करारे नहीं मीठे हैं, बहुत खस्ता और मीठे हैं। जी तो दो कप मैदे से बहुत सारी मीठी टिकियां तैयार हो गई हैं, आप लोग इन्हें एयर टाइट बॉक्स में रख सकते हैं, चाहे हफ्ता रखें चाहे दो हफ्ते, ये काफ़ी अरसा तक सेव रह सकती हैं, उसके अलावा ये बहुत आसानी से और कम चीज़ों में तैयार हो जाती हैं, आप लोग ज़रूर अपने बच्चों के लिए इसको ट्राई कीजिए, और उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़। जी तो एक आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कैसे बनी है, बहुत ज़बरदस्त बनी है, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, अंदर से भी बहुत खस्ता है। हाँ जी बहुत जबरदस्त है, ऐसे बिस्किट की तरह लग रही है। हाँ जी बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह से, खाक टेस्ट करो ना, चेक करके भी दिखा देती हूँ। वैसे बाकी सारे लोग कह रहे थे कि आप लोग आप खा खा के मोटी हो जाएंगी,
तो अब क्या करूं? वैसे मैंने पहले खाई है, बहुत जबरदस्त खस्ता बना। बहुत मजे की है, बाजार की मिठाई से तो बहुत ही जबरदस्त है। आप देख रहे हैं ना अंदर से कैसा लग रहा है? उस ऊपर वाली लेयर अलग है, वो फूल के अलग हो गई थी, और अंदर से ये सॉफ्ट सी है और बिल्कुल पकी हुई है और बहुत ही कम टाइम में पकती है, बहुत जबरदस्त बनती है। आप लोग जरूर ट्राई कीजिए, और बच्चों के लिए खासकर बड़े भी खा सकते हैं।